हाय एवरीवन, हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और समझा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि AWS लैब को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग अपने फ्री अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अजूर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AWS ने लगभग दुनिया के हर कोने में अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है और इन डेटा सेंटर्स को हम लोग इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी ये जो इंटरनेट है वो डेटा सेंटर और कस्टमर के बीच में एक इंटरफेस का यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर एज ए कस्टमर मैं अपने AWS डेटा सेंटर को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो उस केस में AWS हमें एक पोर्टल यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिसका URL है aws.amazon.com और इसी पोर्टल को एक्सेस करके हम अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अपने AWS अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मैं आता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे मुझे टाइप करना है aws.amazon.com, हिट एंटर, और राइट हैंड साइड टॉप पे आके हमें क्लिक करना है साइन इन टू द कंसोल और ये हमें साइन इन पेज पे यहाँ पे लेके आता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी AWS का अकाउंट हो और उस केस में हम लोग यहाँ से अपनी साइन इन इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद AWS पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस पोर्टल को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो बॉटम पे आप देखेंगे एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, सो क्लिक ऑन इट। इसके बाद अपने AWS अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें एक ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो मैं एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और साथ ही साथ ये हमसे पूछ रहा है कि जब हम लोग लॉगिन करते हैं AWS पोर्टल के अंदर तो हमारा अकाउंट किस नाम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ टेक लर्निंग ट्रेनिंग, तो ये एक हमारा अकाउंट का नाम है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल एड्रेस और जैसे ही मैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो जो ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन किया था उस ईमेल एड्रेस पे जाके कोड डिलीवर होता है। तो मैं अपने जीमेल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं सेम जीमेल अकाउंट से लॉग इन हूँ जिस अकाउंट से मैं अपने AWS अकाउंट को क्रिएट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे AWS ईमेल वेरिफिकेशन सब्जेक्ट से एक ईमेल भी आया है जहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड मेंशनड है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, वापस आते अपने पोर्टल पे और वेरिफिकेशन कोड पे आके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। हो सकता है कि ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके ईमेल एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो रहा है तो उस केस में आप इन दो पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। कभी कभी वेरिफिकेशन कोड डिलीवर होने के लिए लगभग 5 मिनट तक का भी समय ले सकता है या फिर आप अपने ईमेल एड्रेस के स्पैम फोल्डर पे जाके भी इसे चेक कर सकते हैं और फिर भी अगर वेरिफिकेशन कोड डिलीवर नहीं हुआ है तो हम लोग इसे फिर से यहाँ पे रीसेंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोड आ चुका है, क्लिक ऑन वेरीफाई, ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें अपने पासवर्ड को मेंशन करना है। जब भी हम पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो एक सजेशंस की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी आपको कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिन्हें हमें अपने पासवर्ड के अंदर मेंशन करना होता है। तो बेस्ड ऑन सजेशन मैं एक पासवर्ड यहाँ पे कन्फिगर कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन कन्फर्म पासवर्ड एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो एक रूट अकाउंट है। तो रूट अकाउंट को हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की तरह भी यहाँ पे समझ सकते हैं जिसके पास सारी की सारी परमिशंस अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग बेसिकली एक रूट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप ये AWS अकाउंट किस यूज के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, पहला है बिजनेस और दूसरा है पर्सनल। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस AWS अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में हमें पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लैब्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकें तो इस सेकेंड ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, पर्सनल फॉर योर ओन प्रोजेक्ट्स। देन अगला ऑप्शन है हु शुड बी कॉन्टेक्ट अबाउट दिस अकाउंट, तो यहाँ पे मैं अपने फुल नेम को मेंशन कर लेता हूँ। इसके बाद ये फोन नंबर पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि है इंडिया, सेलेक्ट इट एंड देन मेंशन फोन नंबर।
सेलेक्ट कंट्री और रीजन, और यहां पे भी मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद हमें अपने एड्रेस को यहां पे मेंशन करना है, देन मेंशन सिटी और इसके बाद स्टेट यहां पे, देन हमें अपने पोस्टल कोड को मेंशन करना है, एंड देन फाइनली रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ द AWS कस्टमर एग्रीमेंट। तो मैं इसे चेक कर लेता हूं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन इसके बाद हमें अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड किसी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बिलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। वी विल नॉट चार्ज यू फॉर यूजेस बिलो AWS फ्री टीयर लिमिट्स। तो बेसिकली हम लोग अपनी लैब प्रैक्टिस के लिए इस अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और ये अकाउंट 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। और इस अकाउंट को यूज करके अगर हम लोग ऐसे रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं जो कि AWS फ्री टीयर लिमिट के अंडर आते हैं, तो उस केस में कोई भी बिलिंग यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं जो AWS फ्री टीयर लिमिट के अंडर नहीं आता है, तो उस केस में बिलिंग जनरेट होगी, और अगर हम लोग उस बिल को पे नहीं कर पाते हैं तो AWS हमारे अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज कर देता है। तो उस केस में हम लोग एक दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके अपनी लैब को परफॉर्म कर सकते हैं। वी मे टेम्परेरीली होल्ड अप टू $1 और एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन लोकल करेंसी एज अ पेंडिंग ट्रांजेक्शन फॉर 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो जब भी हम लोग इस फ्री ट्रायल अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करते समय हम लोग अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, और जैसे ही अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा तो हमारे अकाउंट से $1 के इक्विवेलेंट मनी यहाँ पे डिडक्ट होगी, जो कि AWS 3 to 5 days तक होल्ड करके रखता है ताकि हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। लेकिन अगर हम लोग कोई इंडिया बेस्ड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होती है वह है ₹2। तो अभी मैं इन सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन मैं इसे यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद हमें क्लिक करना होता है वेरीफाई एंड कंटिन्यू, और इस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज से इसे आगे को देखेंगे। बिलिंग इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर पेज पे यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हमें फिर से अपनी आइडेंटिटी को कन्फर्म करना होता है। इसके लिए दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, पहला है टेस्ट मैसेज और दूसरा है वॉइस कॉल। तो सबसे पहले मुझे अपने कंट्री कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि है इंडिया, देन मेंशन फोन नंबर और इस पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन सेंड SMS। और जैसे ही मैं सेंड SMS पे क्लिक करूंगा, एक मैसेज मेरे मोबाइल पे डिलीवर होगा, और उस मैसेज में जो कोड मेंशनड है उसे मुझे यहाँ पे टाइप करना है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सपोर्ट प्लान हम लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो तीन प्लान अवेलेबल है, पहला है बेसिक सपोर्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा है डेवलपर सपोर्ट जिसकी मंथली कॉस्ट है $29, और तीसरा है बिजनेस सपोर्ट जो कि $100 पर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये अकाउंट मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक सपोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्लिक ऑन कंप्लीट साइन अप। इसी के साथ हमने सक्सेसफुली अपने AWS अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, देन क्लिक ऑन साइन इन टू कंसोल, और अब हम लोग अपने रूट अकाउंट के मेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अभी मुझे रूट यूजर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेंशन ईमेल एड्रेस, मेल आईडी को मेंशन करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड मेंशन योर पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन इन, और अभी मैं सक्सेसफुली अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ, और जिस अकाउंट नेम को हम लोगों ने मेंशन किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद जिस भी रीजन के अंदर हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं उन रीजन्स को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं मुंबई रीजन के अंदर किसी EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहता हूँ, सो सेलेक्ट मुंबई, और यहाँ पे आके हम लोग अपनी सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि EC2 इंस्टेंस क्या होता है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं। जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा अकाउंट एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैं EC2 सर्विस को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया तो एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
इसका मतलब यह है कि हमारा अकाउंट तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बट करेंटली अभी हमारा अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है। इसके अलावा ये हमें ये भी बता रहा है कि ये जो तीन पॉइंट हैं अगर प्रॉपरली हमने फिलअप नहीं किए हैं तो उस केस में भी एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली फिल की है तो कुछ समय वेट करने के बाद हमारा अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो जनरली जो AWS यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है कि 24 आवर्स तक ये ले सकता है अकाउंट को एक्टिवेट होने के लिए, बट इन एक्चुअल हमारा अकाउंट कुछ ही समय में यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद अभी हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं EC2 सर्विस पे अब यहाँ पे क्लिक करूँ और लेट से मैं किसी EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, सो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस अगेन, तो अभी यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा अकाउंट एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया, एक्टिवेशन होने में थोड़ा समय यहाँ पे लगता है और जनरली जो AWS की प्रैक्टिस है वो ये है कि जब एक बार हमारा अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो जाता है तो उसके बाद AWS की सपोर्ट टीम आपको आपके फोन पे अप्रोच करती है, आपके अकाउंट के बारे में डिटेल देती है और अगर आपके मन में बिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग AWS पे अकाउंट को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।